Good evening. Today we have Mrs. Shanu Agrawal with us for the interview. Welcome, ma'am. Hi. Hi. Good evening. How are you feeling coming to the campus? Very nice. बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ही अच्छा लगता है जब भी आते हैं कि बच्चे अच्छी तरह से, शायद और अच्छी तरह से पढ़ेंगे उन्हें, क्योंकि एनवायरनमेंट शायद उस तरीके का नहीं मिल रहा था कि जिस तरीके से हम लोग बच्चों की अपब्रिंगिंग चाहते हैं उस तरीके की हो पाए. तो शायद वहाँ अब इस जगह पे ऐसा लग रहा है कि एटमोसफियर बच्चों को उस तरीके का मिलेगा कि बच्चे डिसिप्लिन और मैनर्ड रहेंगे. और बस बाकी लॉकडाउन खुलने का ही वेट कर रहे हैं, स्कूल्स ओपन होने का वेट कर रहे हैं. हम भी कर रहे हैं. बिल्कुल. ऑनलाइन क्लासेस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली आप लोगों की तरफ से तो सीरियसली बोला 100% रहता है. बस ये है कि बच्चे ही थोड़ी सी शायद लापरवाही करते हैं. अगर बच्चे अटेंटिव हैं तो टीचर्स पूरा ध्यान देती हैं और एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है. घर में आप कैसे हेल्प करते हो? घर में हेल्प करने का तो ये रहता है कि जो भी से प्रॉब्लम होती है, क्वेरीज होती है, वो पूछता है तो बता देते हैं. बाकी फ़ोन पे नोटिफिकेशंस वगैरह जो आते रहते हैं तो वो अपडेट करना बच्चों को बहुत ज़रूरी हो जाता है. बस ये कि कभी कभी मिस हो जाता है, क्योंकि जैसे वो एक घंटे में कुछ करना रहता है या 2 घंटे के टास्क होते हैं जो कुछ बहुत जल्दी जल्दी. कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटे तक फोन लिया ही नहीं होता है हम लोगों ने, तो वो चीज़ें बस मिस हो जाती हैं. बाकी तो ठीक है. आपका बच्चा कितना रेगुलर है क्लासेस में? ऑलमोस्ट रेगुलर है, डेली अटेंड करता है. हाँ, और आप ये चेक करते हो कि वो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो बिल्कुल डेली अटेंड करता है क्लास. बहुत ही कम ऐसा होता है कि उसकी क्लास कभी मिस हो, अदरवाइज वो करता है अटेंड. टर्म टू की तैयारी आप कैसे करा रहे हो? टर्म टू की तैयारी में तो इनके जो मेन रहता है वो तो रिविजन शीट्स जो हैं, बच्चे वो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं. सारी चीज़ें सबमिट भी होती हैं, चेक नहीं होती है. तो आप लोगों ने लास्ट टाइम से जो अटेंडेंस सबकी स्टार्ट करी है कि होमवर्क किसका सबमिट हुआ है, किसका सबमिट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से बच्चे थोड़े से और अलर्ट हैं कि अब हमें होमवर्क सबमिट करना है टाइम टू टाइम, तो सब चीज़ें सही से होना चाहिए. तो उससे बच्चों का रिविजन अपने आप ही हो रहा है. क्या इम्प्रूवमेंट आपने देखा है बच्चे में? इम्प्रूवमेंट अब टेक्नो फ्रेंडली हो गए बच्चे, सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए. उसके हम लोग को डिसएडवांटेजेस भी हो रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें बच्चे अब खुद से डील कर लेते हैं. और जो एक्टिविटीज़ हो रही है स्कूल में तो बच्चों को पता रहता है कि अब हमें एक्टिव रहना भी है, और जो क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हैं या जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है. और जो एक्सटेम्पो टाइप आप बीच बीच में करा देते हैं वो सबसे अच्छा, क्योंकि बच्चों की है ना उससे मतलब स्किल्स डेवलप हो रहे हैं. कि अगर बच्चों को एकदम फेस करना है कैमरा, या मतलब एकदम ऑन द स्पॉट टॉपिक दे दिया गया है, तो उन्हें इतना पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी टॉपिक पे ऑन द स्पॉट बोलना है तो हमें थरो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. किसी भी चीज़ की अगर हम अच्छे से जानकारी रखेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हम किसी भी समय अगर हमें कोई भी खड़ा कर देगा एकदम सामने कि तुम्हें इस पर बोलना है, तो वो कॉन्फिडेंट रहेंगे. बिल्कुल. बस तो बस यही चाहिए आजकल के टाइम में. अगर आपको बोलना आता है तो अगर आप इनफ स्मार्ट हैं तो आप कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हो. बस तो इस चीज़ में बच्चों को हेल्प मिल रही है. तो आप कोई सजेशन देना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स को जिससे आपने अपने बच्चे की हेल्प की हो? अब आप बच्चे को हर समय डांटिए नहीं लेकिन बस ये है, बच्चे पे ध्यान जरूर रखें, क्योंकि बच्चों के हाथ में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मोबाइल ना परमानेंट रह रहा है. तो सबसे ज्यादा इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि बीच बीच में बच्चे को वॉच करते रहें कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे गेम खेल रहे हैं, या पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं बच्चे. सिर्फ ऐसा तो नहीं वीडियो ऑफ करके लेटे हुए हैं. बस सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है. बाकी तो सब बच्चे जितना कर सकते हैं घर में रहके उतना कर ही रहे हैं. आई थिंक बस. थैंक यू सो मच मैम.